हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोटर हब में। आज हम एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो 10 लाख के बजट में आपका एसयूवी का सपना पूरा कर सकती है। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में। तो इसी के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं, एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन, फीचर्स, देन प्राइस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कलर ऑप्शन से। तो इसमें आपको डायमंड व्हाइट, रॉकी बेज, मैजेस्टिक सिल्वर, नेपोली ब्लैक, हाईवे रेड, ये 5 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें कोई डुअल टोन कलर का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर वेरियंट्स की बात कर लें तो इसमें आपको N4, N8, N10 एंड N10 ऑप्शन, ये 4 वेरियंट्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। एंड अभी यहाँ पे N8 वेरियंट को देख रहे हैं जो कि इसका सेकंड बेस वेरियंट है। एंड आज इसमें देखते हैं क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए। बोलेरो नियो के अगर इंजन स्पेक्स की बात कर लें तो इसमें सिर्फ आपको एक ही इंजन ऑफर किया जाता है, 1.5 लीटर एमहॉक डीजल इंजन जो 1493 सीसी का होता है, जो 100 PHP की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और इसमें आपको लगभग 17 KMPL तक की माइलेज मिल जाती है। ये खाली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट से आप जब देखते हैं तो काफ़ी रफ एंड टफ लुक्स मिल जाते हैं आपको। एंड इसमें आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है महिंद्रा की तरफ से। की बात करें तो ऐसी कुछ आपको फ्लिप की ऑफर की जाती है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, बीच में आपको बजर का बटन मिल जाता है जिससे कि आप पार्किंग वगैरह में अपनी गाड़ी को आसानी से ढूंढ सकते हैं। दूसरी की आपको नॉर्मल की दी जाती है। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से, और एक्सटीरियर में सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो जब फ्रंट से देखते हैं महिंद्रा बोलेरो को तो यहाँ पे आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग दी गई है। ग्रिल की बात कर लें तो ग्रिल ऐसी कुछ आपको सिल्वर फिनिश के साथ यहाँ पे ऑफर की जाती है। एंड अगर आप टॉप वेरिएंट N10 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा क्रोम ट्रीटमेंट के साथ ऑफर की जाती है। तो सामने से देखने में काफ़ी रफ एंड टफ SUV लगती है ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो न्यू। हेडलैम्प की बात कर लें तो ऐसे कुछ आपको हेलोजन हेडलैम्प्स यहाँ पे ऑफर किए गए। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। एंड अगर आप टॉप वेरिएंट N10 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऊपर LED DRS मिल जाते हैं जो कि इसमें आपको नहीं दिए गए। नीचे की बात कर लें तो यहाँ पे आपको कोई फॉग लैंप ऑफर नहीं किए गए। टॉप वेरिएंट N10 में आपको मिल जाते हैं, सामने से आप पूरा व्यू देख सकते हैं ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो नियो का। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक निस पे पूरी यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल दी गई है। अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो 180 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया गया है, जो कि आपको ऑफ रोडिंग और ख़राब रास्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको टोइंग का ऑप्शन दिया गया है। तो ये था पूरा फ्रंट प्रोफाइल ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो नियो का। फ्रंट से काफ़ी मस्कुलर लगती देखने में, ऊपर आपको वाइपर दिए गए वॉशर के साथ में। एंड बोनट पर भी आपको काफ़ी क्रीजेस देखने को मिल जाएंगे, ऊपर आपको पावर एंटीना मिल जाता है। फ्रंट के बाद आप बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको 15 इंच के स्टील लिम दिए गए हैं व्हील कवर्स के साथ में, एंड उसमें आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। सस्पेंशन का जो ट्रेवल है इतना कुछ आपको स्पेस यहाँ पे ऑफर किया गया है, व्हील कवर्स, महिंद्रा की ब्रांडिंग। व्हील प्रोफाइल की बात करें तो 215/75R15 का पूरा आपको व्हील प्रोफाइल यहाँ पे दिया गया है। सीएट के टायर आपको मिल जाते हैं। एंड व्हील्स के ऊपर आप देख सकते हैं क्लैडिंग भी आपको दी गई है, जिससे कि गाड़ी जो है साइड से काफ़ी सेफ रहती है और स्पोर्टिंग भी लगती है देखने में। एंड साइड में आप देख सकते हैं पूरे में आपको क्लैडिंग मिल जाती है आगे से पीछे तक, जो कि इसको और भी स्पोर्टी बना देती है। अब बात करते हैं फेंडर से, तो यहाँ पे आपको फेंडर पे देख सकते हैं इंडिकेटर्स दिए गए, ORVs पे आपको इसमें ऑफर नहीं किए गए। एंड ORVs देख सकते हैं, बॉडी कलर ORVs दिए गए, एंड ये मैनुअली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVs हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट N10 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको ORVs देखने को मिल जाते हैं। एंड बॉडी कलर ORVs काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में, इनका साइज भी काफ़ी बड़ा रखा गया है। एंड ये पूरा साइड प्रोफाइल ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो नियो का। नीचे आपको फुट स्टेप दिया गया है। एंड अगर गाड़ी की लेंथ की बात करें तो 3.9 मीटर लेंथ है, विड्थ की बात करें तो 1.7 मीटर है, और हाइट की बात करें तो 1.8 मीटर आपको हाइट मिल जाती है। एंड साइड प्रोफाइल अभी आप देख सकते हैं पीछे से, काफ़ी रफ एंड टफ एंड मस्कुलर SUV लगती है। ऐसा कुछ आपको फ्यूल टैंक दिया गया है। कैपेसिटी की बात कर लें तो 50 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स एंड फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। गाड़ी के व्हील बेस की बात कर लें तो 2680 mm का व्हील बेस मिलता है आपको इसमें। एंड आगे की तरह आप देख सकते हैं पीछे भी काफ़ी मस्कुलर लुक्स मिलते हैं आपको ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो नियो में। स्पेयर व्हील आपको जो है टेलगेट में ऑफर किया गया है। टेल लैंप्स की बात कर लें तो ऐसा कुछ आपको हेलोजन सेटअप यहाँ पे ऑफर किया गया है। एंड इनका रोड प्रेजेंस भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, इनका साइज और शेप भी काफ़ी अच्छा रखा गया गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से। एंड ऊपर से बात करें तो आपको आगे पावर एंटीना दिया गया है, यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ पे आपको डिफॉगर, एंड यहाँ पे आपको वाइपर की प्लेसमेंट दी गई है। स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको टेल गेट में ऑफर किया जाता है, यहाँ पे आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग, बोलेरो की बैजिंग दी गई है। एंड यहाँ पे आपको गेट पे बोलेरो नियो की बैजिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए। एंड यहाँ पे आपको फुट स्टेप चढ़ने के लिए। एंड अगर इधर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं N8 की बैजिंग दी गई है। एंड ये पूरा रियर प्रोफाइल महिंद्रा बोलेरो नियो का। अब चलते हैं थर्ड रो सीट्स पे और पूरा सीटिंग कंफर्ट, पूरा सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं। अगर डोर पैनल की बात कर लें तो ऐसा कुछ आपको पूरा डोर पैनल यहाँ पे ऑफर किया गया है बेज कलर में।
तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के डोर ओपनर मिल जाते हैं, उसके ऊपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। एंड थर्ड रो की बात कर लें तो ऐसा कुछ आपको पूरा सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो इसमें आपको 384 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है। नीचे आपको फुट स्टेप दिया गया है जिससे कि चढ़ने उतरने में काफ़ी आसानी रहती है। एंड अंदर बैठने के बाद इतना कुछ स्पेस आपको मिल जाता है अगर आपके आगे की सीट फोल्ड है। एंड अगर आप इसको नीचे कर देते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे आसानी से बैठ जाएंगे, एडल्ट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेग स्पेस आप देख सकते हैं, दो लोग बैठेंगे तो लेग स्पेस लेग जो है आपस में टकरा सकते हैं। एंड पीछे का जो ग्लास एरिया है आप इसको जो ओपन कर सकते हैं जिससे कि जो है एयर सर्कुलेशन काफ़ी बढ़िया हो जाता है। एंड ऊपर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। एंड फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू, तो थर्ड रो सीट में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे। आप चलते हैं सेकेंड रो सीट्स पे और पूरा लेग रूम हेड रूम पूरा स्पेस चेक करते हैं, पूरा सीटिंग कंफर्ट देखते हैं। एंड ये पूरा साइड प्रोफाइल ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो नियो का, यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स दिए गए। अगर डोर पैनल की बात कर लें तो ऐसा कुछ आपको बेज कलर में पूरा डोर पैनल मिलता है। एंड ब्लैक ट्रीटमेंट आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डोर ओपनर, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स, यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ आपको टेक्सचर दिया गया है डोर पैनल में। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, वाटर होल्डर, डोर पॉकेट्स दी गई हैं। एंड रियर कैबिन की बात कर लें तो ऐसा कुछ आपको पूरा सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, बीच में आपको कोई आर्मरेस्ट मिल नहीं मिलता है। एंड चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से पूरा लेग रूम चेक करते हैं। तो अंदर बैठने के बाद इतना कुछ आपको लेग रूम मिल जाता है, इतना कुछ स्पेस यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं, कोई एसी वेंट्स यहाँ पे ऑफर नहीं किए गए। एंड इधर की बात कर लें तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए, यहाँ पे आपको दो हेडरेस्ट जो कि एडजस्टेबल हैं, बीच में आपको कोई आमरेस्ट नहीं मिलता है। फ्रंट डैशबोर्ड की बात कर लें तो ऐसा कुछ आपको डुअल टोन कलर में पूरा डैशबोर्ड दिया गया है, सिल्वर फिनिश भी आपको इसमें देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स दिए गए टूड इन ऑडियो सिस्टम से रिलेटेड। एंड ये डैशबोर्ड काफ़ी बढ़िया एंड मस्कुलर लग रहा है। आप चलते हैं आगे की सीट्स पे और सारे फीचर्स कवर करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स। एंड अगर डोर पैनल की बात कर लें तो ऐसा कुछ आपको पूरा डोर पैनल दिया गया है बेज कलर में। यहाँ पे आपको डोर ओपनर, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स, यहाँ पे भी आपको टेक्सचर दिया गया है। नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर, डोर पॉकेट्स दी गई हैं। यहाँ पे मैनुअल ओआरवीएम को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स दिए गए। टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम से यहाँ पे ऑफर किए गए। फ्रंट कैबिन की बात कर लें तो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। ये फ्रंट डैशबोर्ड जो कि डुअल टोन कलर में काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। एंड नीचे आपको फैब्रिक पॉस्टी मिलती है इसमें, यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हैं सीट्स को। टॉप वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिलता है। यहाँ पे आपको फील्ड ओपनर, नीचे आपको मैनुअल पेडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रो हाइब्रिड का बटन, डिफॉगर, यहाँ पे आपको इको का बटन, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर, ऊपर एसी के वेंट्स जो कि सिल्वर फिनिश में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। एंड अंदर बैठने के बाद ऐसा कुछ व्यू दिखता है महिंद्रा बोलेरो नियो का। गाड़ी को ऑन करते हैं, दिखाते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे आपको फ्लिप की ऑफर की गई है। चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर, टैकोमीटर मिल जाता है, बीच में एमआईडी दी गई है। एंड स्पीडोमीटर में आप देख सकते हैं 180 तक की आपको मार्किंग देखने को मिल जाएगी। सारी चेकलाइट दी गई है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एंड आगे आपको यहाँ पे दो लीवर दिए गए। एंड आप अपनी एमआईडी को इस लीवर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज, किलोमीटर सब यहाँ से आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको राउंड शेप में दिया गया है, कोई लेदर फिनिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड सारे कंट्रोल दिए गए। एंड बीच में आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश। एंड आप अपनी स्टीयरिंग को इस लीवर के थ्रू ऊपर नीचे टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल एंड इधर आपको हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए। स्टीयरिंग के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो ऊपर आपको एसी के इवेंट्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश के साथ में। एंड यहाँ पे आपको टूडिन का ऑडियो सिस्टम दिया गया है, सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं।
एंड इसमें आपको 4 स्पीकर का प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है, 2 ट्विटर मिल जाते हैं आपको, हेजलाइट का बटन दिया गया है, यहाँ पे आपको मैनुअल एसी के कंट्रोल्स, इको एसी का भी कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको 12V का चार्जिंग पोर्ट, USB एंड ऑक्स का पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, एंड अभी यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, सिर्फ आपको इसमें मैनुअल का ही ऑप्शन है, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, मैनुअल हैंडब्रेक, यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल्स। ग्लव बॉक्स की बात कर लें तो ऐसा कुछ आपको डिसेंट स्पेस वाला ग्लव बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड ऊपर आप देखते हैं पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट, एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है, एंड ड्राइवर साइड आपको वैनिटी नहीं मिलता है, यहाँ पे लाइट सेटेड कंट्रोल, यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट दी गई है, मैनुअल डे नाइट IRVM, एंड विजिबिलिटी भी आप देखते हैं काफ़ी बढ़िया मिलती है, काफ़ी ऊंचा बैठते हैं आप ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो न्यू में। पिलर्स पे आप देख सकते हैं ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है। तो चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसमें आपको ABS, BDBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थर्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थर्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, और इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 8,99,000 से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है एक्स शोरूम, अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो 11,33,000 एक्स शोरूम तक जाता है, एंड अभी यहाँ पे N8 वेरिएंट को देख रहे हैं, अगर इसके प्राइसिंग की बात कर लें तो 9,99,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो 11,17,000 का ऑन रोड लखनऊ पर आता है। तो ये थी ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो न्यू अपने सेगमेंट की रफ एंड टफ SUV, कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू नारायण ऑटोमोबाइल्स नियर मौसी एयरपोर्ट लखनऊ जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी महिंद्रा कार्स, विजिट दिस शोरूम, डिस्क्रिप्शन आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई, आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीगा, क्योंकि आपके लिए कार्स रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो मैं आशीष मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।